हेलो गाइस गाइस, आज हम लोग सीसीएस यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का सॉल्व करेंगे, मैथ्स की फर्स्ट बुक एनालिसिस का। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेडियस ऑफ और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो। तो मैं बताऊँ, जो 2020 का जो पेपर आया था उसमें जो वो क्वेश्चन था वो ऐसा मुश्किल से ही आता है और आएगा भी तो एक ही आएगा, वरना सिंपल जो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के क्वेश्चन आते हैं वो आपके दो फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं, बल्कि मतलब दो ही फॉर्मूले होते हैं उनमें लगाने के। और उसकी बस शॉर्ट ट्रिक क्या है, मतलब छोटे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको उसमें क्या करना होता है, एन से फ्री करना होता है। वो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा वो हमें बस एन से, मतलब उसमें से हमें एन हटाना होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी जो लिमिट होती है उन फॉर्मूले में वो एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव होती है, जो कि इन्फिनिटिव हो नहीं सकती रेडियस। तो इसके लिए बस हमें उन्हें एन से फ्री रखना है, बस आप ये याद रखो। और दूसरी चीज़ क्या याद रखो, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेडियस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूले के लिए हम यूज़ करते हैं 1/r, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए वो r हो जाता है, यानी कि पलट जाता है, बस यही होता है उनमें और कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको दो फॉर्मूले लिखवा दे रही हूँ जो उसके हैं। पहले एक फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास जो है 1/r इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव a n की पावर 1/n मॉडुलस ऑफ। तो ये हमें तब लगाना है जब हमारे पास जो वैल्यू दे रखे क्वेश्चन जो देखा कर उसकी पावर एन है, तो ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है। तो बस जो आपके पास, मान लो अगर आपके पास ये दे रखा है एन प्लस 1/n दे रखी है और उसकी पावर एन दे रखी है, तो आप ये फॉर्मूला जब उस पर ऑपरेट करेंगे तो आपको बस इस पर से एन हटाना है। तो उसके लिए आप सीधे सीधे कर दो, एन 1/n कर दो, और जब इसमें या तो अलग अलग कर दो या ये मान लो कि ऊपर से भी एन कॉमन ले लिया नीचे से भी एन कॉमन ले लिया। तो अगर ऐसे करेंगे ऊपर से भी एन कॉमन नीचे से भी, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1 + 1/n और एन एन से एन कैंसिल। बस वो भी क्यों करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं हो सकता ये, बस इतना याद रखो। और यहाँ पे क्योंकि अगर हम इन्फिनिटिव कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, वही रह जाएगा, इससे तो हमें हाथ लगाने तक की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर इसको देखो, ये तो होगा ये हमारा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, लेकिन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे तो वो भी पलट जाएगी वैल्यू, वो भी बना जाएगी। बस सिंपल छोटे क्वेश्चन है ये, तो बस वो जो आईटा जेड वाला क्वेश्चन आया था ऐसे बस एक दो ही क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग हैं और वो आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे, उनकी कोई दूसरी ट्रिक नहीं है। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका। दूसरा फॉर्मूला है इसका 1/r इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव ए एन प्लस 1/an, ये भी मॉडुलस में, ये हमारा हो गया डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस का, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछेगा तो ये पलट जाएंगे, ए एन ऊपर आ जाएगा, ए एन प्लस 1 नीचे आ जाएगा। और ये हम फॉर्मूला कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे हमसे फैक्टर्स में पूछा हो या फैक्टोरियल दे रखा हो। जैसे हमसे पूछ ले एन फैक्टोरियल का बताओ तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताओ, तो हम यहाँ पे लगाएंगे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव, क्योंकि रेडियस पूछी है तो ये फॉर्मूला पलट जाएगा, तो हो जाएगा ए एन का मॉडुलस अपॉन में ए एन प्लस 1 का मॉडुलस। और उसके अलावा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव लगाएंगे तो ए एन तो हमारा एन फैक्टोरियल है ही, एन की जगह एन प्लस 1 रिप्लेस कर दो, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव लगाएंगे जब, तो यहाँ पे एन अपॉन में एन प्लस 1 और एन का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, सिंपल एन 1/n में एन, अगर हम इसको अलग अलग से लिख सकते हैं भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n + 1/1, एक दो 1/n जो है इन्फिनिटिव हो गया, फिर ऊपर जाएगा जीरो, बचा 1, 1 है इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, 1 है इसकी डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। इसकी और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस आप देख, ये आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितने इजीली उसे समझ पा रहे हैं। बस आप ये याद रखो कि इनका उल्टा होता है, वैसे वाले क्वेश्चन तो मुश्किल से एक या दो ही हैं, तो आप उनके डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, अगर ज़्यादा बड़े लग रहे हैं आपको तो आप उनके डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हो। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपना 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ट्रू, ए द नल सेट फाई इज अनबाउंडेड, द नल सेट फाई इज बाउंडेड, यानी कि नल सेट फर्स्ट ऑप्शन में क्या रखा है, नल सेट फाई जो होता है, फाई को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वो हमारा अनबाउंडेड होता है। बी बोला है द नल सेट फाई इज बाउंडेड,
जो नल सेट फाई है वो बाउंडेड होता है। सी ऑप्शन, ए फाइनाइट सबसेट ऑफ आर इज अनबाउंडेड, आर का जो फाइनाइट सबसेट होता है वो अनबाउंडेड होता है। डी नोन ऑफ द अबव, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन ट्रू है, ये अनबाउंडेड हो सॉरी ये फाई बाउंडेड होता है, इसकी अपर और लोअर बाउंड दोनों होती हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब लास्ट वीडियो में भी बताया था, फाई की जो ये बाउंडेड होता है इसकी अपर और लोअर बाउंड दोनों ही एक रियल नंबर होता है, यानी कि इसे जो बाउंड करता है वो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर इसे बाउंड करते हैं। सेकंड, सुप्रीमम ऑफ अ सेट एस इज ऑलवेज, एस का जो सुप्रीमम होता है वो हमेशा ए बिलोंग टू सेट एस, हमेशा सेट एस से बिलोंग करेगा। बी नोट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एस, एस का वो हमेशा वो एस का ग्रेटेस्ट मेंबर हो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। सी एग्जिस्ट, हमेशा एस में एग्जिस्ट करेगा। डी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एस, एस का ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो देखो इसमें ना ज़रूरी नहीं है कि वो सेट एस से ही बिलोंग करे, वो सेट से बाहर भी हो सकता है, सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों ही सेट से बाहर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सेट में ही हो। ऐसा एग्जाम्पल अभी आगे आएगा, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेटेस्ट मेंबर तो होता है लेकिन सेट का ही हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें। थर्ड, लेट एस इक्वल्स टू वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स फॉर ऑल एक्स कंटेंट इन आर, देन सुप्रीमम एस इज इक्वल टू, तो हमारे पास जो साइन एक्स की वैल्यू होती है वो माइनस वन से वन के बीच होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मॉडुलस है तो माइनस तो हो ही नहीं सकती, सॉरी यहाँ पे तो सुप्रीमम पूछा है तो सुप्रीमम तो इसका वन ही हो जाएगा फिर ए। नेक्स्ट, लेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई फॉर मॉडुलस ऑफ साइन वाई, मोड का ध्यान रखना, मॉडुलस ऑफ साइन वाई फॉर ऑल वाई कंटेंट इन आर, देन इन्फीमम ऑफ ए इज इक्वल्स टू, तो इसमें पूछा गया हमें इन्फीमम पूछा है इस सेट का जो इन्फीमम होगा, तो देखो यहाँ पे मॉडुलस है तो मॉडुलस में पहले बात तो साइन की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन तक होती है, मैंने अभी बताया, और मॉडुलस की वजह से माइनस में तो हो ही नहीं सकती भाई, अगर यहाँ पे मॉडुलस नहीं होता तो इसका इन्फीमम माइनस वन हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस है और मॉडुलस में वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो जो माइनस वन आएगा वो प्लस वन हो जाएगा, तो और प्लस वन इसका सुप्रीमम होता है, और वन से छोटे हमारे पास फिर क्या वैल्यू बची, ज़ीरो, तो ज़ीरो इसका इन्फीमम हो जाएगा। फिफ्थ, इफ़ एस इक्वल्स टू वन माइनस वन बाई एन साइन एन पाई अपॉन में टू एन कंटेंट इन एन कैपिटल एन एन की नेचुरल नंबर देन सुप्रीमम ऑफ एस, हमें एस सेट का सुप्रीमम बताना है, तो एन देखो एन हमारा इन्फिनिटिव तक जा सकता है, पहले इसके देखते हैं साइन एन पाई, देखो इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास माइनस वन से लेके प्लस वन तक होती है, तो इसका सुप्रीमम तो वन हो गया, मैक्सिमम वैल्यू इसकी वन हो सकती है तो इसकी जगह वन मान लो, और एन की वैल्यू हमारी मैक्सिमम इन्फिनिटिव हो सकती है तो वन अपॉन में इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा वन, यहाँ पे भी ब्रैकेट में वन बचा और ये भी वन है तो वन मल्टीप्लाई वन वन, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सिक्स, इफ एस इक्वल्स टू एम प्लस वन बाई एन सच दैट एम एन दोनों बिलोंग करते हैं एन से देन सुप्रीमम ऑफ एस, इसमें हमें इसका सुप्रीमम बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं इन्फिनेटिव माइनस इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट जीरो, तो इसका हमारा ऑप्शन सी है डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा देखते हैं। देखो हमने तो अगर इसमें हम वन बाय एन को बाउंड कर दें, यानी कि मान लो एन की वैल्यू हमने सबसे सॉरी एम को या एन को मतलब किसी को भी इन दोनों में से किसी एक को बाउंड कर दो, कि फिक्स कर लो कि वन ही रखना है या टू ही रखना है हमें इसमें, तो मान लो अगर हमने एम को कर दिया तो हमें तो एन की वैल्यू पता ही नहीं कि कहाँ तक जाएगी, कितना बड़ा हो सकता है ये, क्योंकि वन टू थ्री इनफाइनाइट तक हम इसमें रख सकते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ तक जा रही है वैल्यू, और अगर एन को कर दें तो इसमें एम अनबाउंडेड है, देखो एन को अगर हम वन ही रख लें तो एम की वैल्यू तो वन टू थ्री पता नहीं कहाँ तक जा रही है, फिर हम इसमें टू रखेंगे तो वन फिर से एम की वैल्यू बढ़ती हो जाएगी, तो इसमें जो सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट नहीं करता इसमें, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेवन, लेट एस इक्वल्स टू ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एस स्क्वायर, आर एस दोनों कंटेंट करते हैं एन से, देन इन्फीमम एस विल बी, तो इसमें एस जो इसका इन्फीमम इस सेट का इन्फीमम क्या होगा, तो देखो अगर हम यहाँ पे भी देखो वही केस है, इसमें इन्फीमम पूछा है हमसे, मान लो अगर यहाँ पे हमने आर को बाउंड कर ले रहे हैं कि वन है, वन तक जा सकता है बस, ये एक को फिक्स कर लिया हमने कि आर वन तक जा सकता है बस, तो एस की अगर हम इन्फिनिटिव रख दें तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये यहाँ पे वन ही रह जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इन्फीमम सबसे छोटी वैल्यू हमें ये, क्योंकि देखो एस की हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ रख सकते हैं, मैक्सिमम इन्फिनिटिव रख सकते हैं और हम सबसे छोटी इसकी वैल्यू क्या होगी वन, तो वन इसका इन्फीमम आ जाएगा। तो
ये हमारी एक थ्योरम होती है, इसमें कहा गया लेट आर डैश एंड एस डैश देन देयर एग्जिस्ट टी डैश सच दैट एस टी डैश आर। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आर बिलोंग्स करे, स्मॉल आर बिलोंग करता है रियल नंबर से, एस बिलोंग करता है पॉजिटिव रियल नंबर से। देखो यहाँ पे आर प्लस है तो यानी पॉजिटिव रियल नंबर, और टी अगर बिलोंग करे नेचुरल नंबर एन से और तब एस टी एस ओ टी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो छोटा होगा आर से, आर यानी कि ये वाले आर से। क्योंकि देखो अगर हम सिंपल देखा जाए तो आप इसमें बस ये याद रखना कि आई होगा नहीं, सिर्फ नेचुरल नंबर वाला ही होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ दो साइन चेंज हमें देंगे, एक तो यहाँ पे एन का और एक ये वाला। बस आप ये दो चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज़ ट्रू। ए ऑप्शन है क्यू इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, क्यू नेबरहुड होता है अपने और सारे पॉइंट्स का। बी आर माइनस क्यू इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, आर माइनस क्यू अपने नेबरहुड होता है अपने सारे पॉइंट्स का। सी नेबर आर माइनस क्यू इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट नोट ओ, कि ये नहीं होता अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड, और आर है आर इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट। तो इसमें से जो ट्रू है वो सी ऑप्शन ट्रू है, आर माइनस क्यू नेबरहुड नहीं होता है अपने सारे पॉइंट्स का। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। 10 क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। तो यहाँ पे जो हमारी कंटिन्यूस वैल्यू नहीं देगा वो हमारा ये वाला फंक्शन है, 0 और 1 पुट करेंगे अगर हम इसकी एक्स की जगह यहाँ पे, तो ये हमारी कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं देता। ये ऑप्शन इज करेक्ट। 11 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, विच इज़ ट्रू फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, हमें फंक्शन देख रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू साइन 1/x फॉर ऑल x कंटेन करता है ओपन इंटरवल 0 to 1 में। तो उसके लिए हमारा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा फंक्शन ट्रू होगा? तो हमारा इसमें ए ऑप्शन ट्रू है, लोअर लिमिट एफ एक्स बराबर होती है अपर लिमिट एफ एक्स के, एक्स कंटेन करे जब 0 में। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। 12 क्वेश्चन, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन एन इक्वल्स टू 0 to ∞ जेड एन अपॉन में एन लॉग एन की एन का होल स्क्वायर। तो इसका अगर हम जब निकालेंगे तो ये कम से कम 2 पेज का सॉल्यूशन है इसका, तो अच्छा होगा इसे आप डायरेक्ट याद कर लो। तो इसमें मैंने आपको दोनों वैल्यू बता देती हूँ। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस जो इस पर होता है वो मॉडुलस ऑफ जेड छोटा होता है 1 के बराबर, ये हमारा होता है डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। और जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है इसकी वो होती है r = 1 पर। क्योंकि देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले हमें n का, पहले तो इसको आगे लाना पड़ेगा, फिर इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगेगा 2 बार, तो ये कम से कम 2 पेज का सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसे आप डायरेक्ट याद रख लेना, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 होती है और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होता है मॉडुलस ऑफ जेड छोटा 1 के। 13 क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, समीशन n इक्वल्स टू 1 to ∞ जेड की पावर n इंटू 1/n कन्वर्जेंट है जेड बराबर 1 पर। अगर यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 रख दी जाए तो ये कन्वर्जेंट वैल्यू देता है, ठीक है। 14 पर आते हैं, विच वन इज नॉट नेबरहुड ऑफ 0, इनमें से कौन सा इंटरवल है जो नेबरहुड नहीं है 0 का? तो मैंने आपको नेबरहुड की डेफिनेशन बताई थी, सबसे पहली चीज़ तो नेबरहुड उस इंटरवल में एग्जिस्ट करना चाहिए जिस इंटरवल में हम पूछ रहे हैं, यानी कि अगर नेबरहुड होने के लिए जिस, यानी कि जैसे हमारे पास कोई इंटरवल है तो वो नेबरहुड उसी पॉइंट का होगा जो उसके अंदर पॉइंट्स हैं, उस इंटरवल से बाहर के किसी भी पॉइंट पे वो नेबरहुड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ पे पूछा गया है 0 नेबरहुड है या नहीं है, ये मतलब इनमें से किसका नेबरहुड है, नहीं है सॉरी। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन जो है इसमें तो 0 आ रहा है, तो यानी कि ये इंटरवल तो 0 का नेबरहुड होगा। बी ऑप्शन में भी 0 है तो यानी कि भी नेबरहुड होगा 0 का। डी में भी 0 है तो डी भी नेबरहुड होगा 0 का। लेकिन सी देखो, सी में नेबरहुड नहीं होगा 0 का, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 तो इस -1 0 और 0 1, यानी कि ये तीनों वैल्यूज हमारी इस इंटरवल में नहीं आ रही। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी नेबरहुड नहीं है
सॉरी जी नेबरहुड नहीं है इस इंटरवल का, 0। 15th क्वेश्चन है सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ एस। एस का हमें सुप्रीमम और इन्फिमम बताना है जबकि हमारे पास एस की वैल्यू ये है, यानी कि एक्स मॉडल्स ऑफ एक्स स्क्वायर बड़ा और बराबर है 25.99 के। तो देखो इसमें सबसे इसमें सुप्रीमम पूछा है तो जिसकी वैल्यू हमारी इससे बड़ी होगी, यानी कि जब हम एक्स इसे हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट आएगा, यानी कि 5.1 समथिंग आएगा, 5.01 समथिंग आएगा इसका। तो लेकिन उससे बड़ी ही होनी चाहिए हमारी एक्स की वैल्यू। तो जब 5 से 5 मान लो अगर 5 है तो 5 से हम कितनी भी हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं, ऐसे तो वैल्यू इन्फिनिटिव तक जा सकती है, और तो फिर ये सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम इसका इन्फिमम तो बता सकते हैं क्योंकि इससे छोटी नहीं हो सकती, तो इन्फिमम हमारा यही हो जाएगा 5.01 समथिंग जाएगा, वही हमारा इसका इन्फिमम हो जाएगा। लेकिन सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि हमें ये एक्स की जो वैल्यू है इससे 5 से ऊपर कहीं तक भी जा सकती है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। 16, इफ ए इक्वल्स टू एक्स इज दैट एक्स बिलोंग कर रहा है आर माइनस क्यू से एंड एक्स स्क्वायर छोटा और बराबर है 81.99 से, देन सुप्रीमम एंड इन्फिमम आर। तो इसका भी यही है क्योंकि देखो ये मॉडुलस में है तो माइनस में तो इसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती भाई, मॉडुलस की वैल्यू पहले हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.01 समथिंग आएगा इसका। तो जो वैल्यू हमारी एग्जिस्ट करेगी करनी चाहिए वो यहाँ 9.01, ये इसके बीच एग्जिस्ट करनी चाहिए हमारी जो वैल्यू है, लेकिन ये मॉडुलस है तो मॉड में तो माइनस में वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो इन्फिमम तो इसका जो आएगा वो जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो हम जीरो से ले सकते हैं, तो इन्फिमम तो इसका जीरो हो जाएगा। और मैक्सिमम हम जो रख सकते हैं बराबर का साइन भी है, और जो मैक्सिमम हमारी हो सकती है वैल्यू वो क्या है 9.01, यानी कि इसे यहाँ पे 9 ही ले लिया गया है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17, विच इज़ ट्रू इफ, इसमें से कौन सा ट्रू है, ए सी आर पी कंटेंट है आर से इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो इनमें से देखो कौन सा ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन बोला गया है, ये फाई के इक्विवेलेंट नहीं होता, तो ये हमारा रोंग है, इंटरसेक्शन फाई के इक्विवेलेंट होता है हमेशा इसमें। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी यूनियन, यूनियन इस वाले इसमें यूनियन आता ही नहीं है, ये सबसेट का है, सी नहीं है, यहाँ पे सबसेट का साइन है ठीक है। तो बी ओ डी तो गलत हो जाएगा क्योंकि यूनियन आ रहा है, यूनियन तो होता ही नहीं। हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डज नॉट नॉट इक्वल्स टू फाई आ रहा है। तो इसकी एक चीज़ और याद रखना, इसमें हमें जो दे रखा है वो कहा है कि सी ऑप्शन जो है हमारा वो है एन इंटरसेक्शन ए माइनस पी, ये डज नॉट इक्वल्स टू है फाई के, हमें ये बोला गया। तो इस पी को हम इधर भी ले जा सकते हैं और ए को भी इंटरसेक्शन में ले सकते हैं, यानी कि हम इसको जो है हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं एन सॉरी ये तो लिखा ही है यहाँ पे एन माइनस पी इंटरसेक्शन ए, अगर ये भी लिखा होगा तो ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। और अगर ये लिखा है एन माइनस ए इंटरसेक्शन पी तो ये भी हमारा सही होगा, यानी कि ये तीनों हमारे ऑप्शन सही होंगे, यानी कि ये जो पी है हम इसे यहाँ पे इंटरसेक्शन के बाद ये भी इंटरसेक्शन है एन नहीं है, यहाँ हम इंटरसेक्शन से पहले भी माइनस कर सकते हैं इसको और यहाँ पे इंटरसेक्शन के बाद अकेला भी ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो ये तीनों ही फाई के इक्वलेंट होते हैं, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीन क्वेश्चन, विच इज ट्रू, इनमें से कौन सा पॉइंट ट्रू है। तो ड्राइव सेट ऑफ क्यू ये बराबर होता है ड्राइव सेट ऑफ आर माइनस क्यू के, और जो बराबर होता है आई के ड्राइव सेट ऑफ आई के, तो ये तो हमारा गलत है, ये आई के इक्विवेलेंट नहीं होता। तो यहाँ पे दे रखा है क्यू ड्राइव सेट ऑफ क्यू डज नॉट इक्वल टू आर माइनस क्यू के, तो ये भी गलत है क्योंकि ये तो इसके बराबर होता है पर इसके बराबर नहीं होता। सी हमारा है डी क्यू इज इक्वल्स टू डी आर माइनस क्यू, यहाँ पे ऑप्शन सही है, और डी आई डज नॉट इक्वल्स टू फाई, तो ये हमारा सही है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये रियल नंबर के बराबर होता है क्योंकि ये खुद भी रियल नंबर के बराबर होता है, डी आर माइनस क्यू आर के बराबर होता है, ये याद रखना। और आई का जो डाइव सेट होता है वो फाइव होता है। नेक्स्ट 19, द लिमिट पॉइंट ऑफ माइनस टू
टू टू ओपन इंटरवल माइनस टू 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 दे रखा है। ये इसका सॉल्यूशन हमें बताना है कि सॉल्यूशन इनमें से किसका है। ये तो देखो, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो करेगी माइनस वन से लेके एक्स मॉडल्स ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू जो होगी वो माइनस वन से प्लस वन तक होगी। और अगर हम इससे एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो बराबर एक्स और बराबर टू, ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। और जब हम इसका निकालेंगे तो इसमें सुप्रीमम जीरो हो जाएगा, सॉरी रुको, इसकी वैल्यू आएगी तब, तो ये तो उल्टा उल्टा हो जाएगा भाई। तो यानी कि इसमें जब हम माइनस वन करेंगे तो साइन इसमें हमारा उल्टा लगेगा, यानी कि माइनस वन इसमें बड़ा दिखाएगा, जो कि और जब हम माइनस यहाँ पे प्लस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कि इसके इक्विवेलेंट आएगा कि जीरो बड़ा होता है एक्स से और छोटा होता है माइनस वन से, लेकिन जीरो तो बड़ा होगा नहीं यहाँ पे, तो ये तो हमारा अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। और यानी कि जब हम इसमें ये वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो सबसे जो एक्यूरेट वैल्यू आएगी वो यही आएगी, लेकिन आनी जो चाहिए थी हमारी वो माइनस टू से टू थी, पर ये क्योंकि हमारा लगभग इसके बराबर ही आ रहा है तो हम इसको डी ऑप्शन लगा कर आएंगे। बाकी इसका जो सोल्यूशन होगा वो होना ये चाहिए माइनस टू से टू पर एग्जिस्ट करनी चाहिए सोल्यूशन होगा, जब जब यहाँ पे भी माइनस टू होना चाहिए था, मतलब तब ये इसका एक्यूरेट सोल्यूशन होता। पर अभी क्योंकि इनमें से तो कोई ऑप्शन आ नहीं रहा और हमें लगाना ही है, तो हम यहाँ पे इसमें डी ऑप्शन लगाएंगे। 20 क्वेश्चन, द सेट ऑफ रियल नंबर हैज़ अ नॉन एम्प्टी ड्राइव सेट। ए ऑप्शन एवरी फाइनाइट बाउंडेड सेट, बी एवरी इनफाइनाइट सेट, सी एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, डी एवरी इनफाइनाइट अनबाउंडेड सेट। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट जो वो सेट होता है रियल नंबर हैज, इनका जो यानी कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट जो होता है रियल नंबर का वो नॉन एम्प्टी ड्राइव सेट होता है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। 21, देखो यहाँ पे लिमिट देखिए, आप जहाँ पे लिमिट दियो सबसे पहले एन और एन हो वहाँ पे एन ही गायब करो। देखो एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव है, यहाँ पे नहीं दिया तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव ही हम लेंगे, इन्फिनिटिव पुट कर देंगे तो जीरो आ जाएगी, तो एल की वैल्यू जीरो, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22, कंसिडर द सिक्वेंस एस एन इक्वल्स टू, ये दे रखी है हमें और इसमें हमसे सुप्रीमम और इन्फिमम पूछा है। तो देखो इसमें जो एन की पावर है, जो एन है ये माइनस वन की पावर जो एन है ये, इसे हम जब भी हम ओड लेंगे तो ये हमें माइनस में वैल्यू देगा, और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है अगर यहाँ पे हो वन माइनस वन बाई एन की पावर एन, तो वो हमेशा इक्विवेलेंट होता है वन बाई ई के। और जब हम यहाँ पे इवन टर्म्स पुट करेंगे टू फोर सिक्स ऐसे पुट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो वन प्लस वन बाई एन किसके बराबर होता है ई के, तो ई इसका सुप्रीमम हो जाएगा और ये वन बाई ई इसका इन्फिमम। याद रखना ये लगभग हर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया ही है, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो वो वन बाई ई के बराबर होता है और अगर प्लस है होगा तो वो ई के बराबर। 23, विच वन इज नॉट अ परफेक्ट सेट, इनमें से कौन सा परफेक्ट सेट नहीं है। तो इनमें से यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इनमें से कोई एक भी परफेक्ट सेट नहीं होगा, क्योंकि देखो जो लिमिट पॉइंट है वो उसके अंदर आने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए, तो इनमें से किसी का भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि उनके लिमिट पॉइंट उसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए बी सी दोनों ही ऑल्सो हाँ, यानी कि इनमें से तीनों में से कोई सा भी परफेक्ट सेट नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 24, विच इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। डी की पावर एन प्लस वन क्यू डज नॉट इक्वल्स टू डी आर माइनस क्यू, तो देखो एन प्लस वन पहले क्या है ये देखते हैं। डी होता है हमारा लिमिट पॉइंट का सेट, यानी कि ड्राइव सेट होता है, यहाँ पे ड्राइव सेट को डी से डिनोट करते हैं और वो होता है हमारा लिमिट पॉइंट का सेट। तो जब हम जो लिमिट पॉइंट का हमारा जो सेट है डी, अगर उसमें से ही उसी सेट का हम फिर से लिमिट पॉइंट्स का सेट यानी कि एक और ड्राइव सेट निकालें उसी में से, तो वो हमारा डी स्क्वायर हो जाता है, और फिर जब डी स्क्वायर वाले में से फिर हम फिर से निकालेंगे लिमिट पॉइंट्स का सेट तो वो डी क्यूब आएगा, ऐसे करते करते जो एन तक जाएंगे, तो वो हमारा इसमें कह रखा है कि आर माइनस क्यू के बराबर होगा जब एन प्लस वन पावर होगी, क्योंकि तो वो आर माइनस क्यू के बराबर नहीं होगा, आर माइनस क्यू की ड्राइव सेट के बराबर नहीं होगा। बी ऑप्शन है, जब यहाँ पे एन पावर होगी वो आर माइनस क्यू के एन प्लस वन पावर के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे बराबर होगा और यहाँ पे फिर से एन एन प्लस वन वाली पावर के बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, जो हमारा क्यू का ड्राइव सेट होता है वो भी आर होता है, और आर माइनस क्यू का जो ड्राइव सेट होता है वो भी आर होता है,
तो अब देखो जब फर्स्ट ही हमारा क्यू का डाइव सेट आर हो गया, तो अब फिर हम रियल नंबर का डाइव सेट लेंगे और रियल नंबर का डाइव सेट भी आर ही होता है। अब जब थर्ड टाइम लेंगे लेंगे हम, तो फिर से वो रियल नंबर है क्योंकि, तो रियल नंबर का डाइव सेट रियल नंबर ही आता जाएगा, आप उसकी कितनी बार भी बार ले लो। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही इक्वलेंट होते हैं आर के। 25 क्वेश्चन, लेट एस इक्वल्स टू एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -1 to 4 एंड साइन एक्स बड़ा है 0 से, देन विच इज ट्रू। तो इसमें से हमें कहा गया है इनमें से कौन सा ट्रू है, इन्फिमम 0 से छोटा होता है, सुप्रीमम एस डज नॉट एग्जिस्ट, सुप्रीमम एस पाई के बराबर होता है और इन्फिमम एस π/2 के। तो इसे हम ग्राफ से समझेंगे। तो देखो पहली बात तो हमें इसे बाउंड कर रखा है कि इसकी वैल्यू -1 से 4 नहीं हो सकती और 0 यानी कि नेगेटिव नहीं होगी। तो देखो जब नेगेटिव नहीं होगी और 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो सिंपल सी बात है हमारे जो इसमें पॉइंट आएंगे वो 1 से लेकर 4 तक आएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसके ग्राफ देखो समझते हैं, पहले देखते हैं सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट जो कह रहे हैं। तो ये तो रॉन्ग है, सुप्रीमम हमें इसमें वैल्यू मिलेगी क्योंकि जब बाउंड कर रखा है कि भाई 4 तक है तो सुप्रीमम तो पक्का इसमें मिलेगा। तो बी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट सॉरी रॉन्ग हो गया। डी देखते हैं, इन्फिमम कह रखा है π/2, तो इन्फिमम हमारा π/2 पे तो मिलेगा नहीं क्योंकि π/2 अगर इसमें देखें तो वो तो 1 हो गया, तो ये तो इसका इन्फिमम है नहीं क्योंकि भाई 0 इसका इन्फिमम आएगा ना। क्योंकि ग्राफ से देखते हैं, चलो इसे बनाने पड़ता है। जो साइन का एक्स का हमारे पास ग्राफ होता है वो ये होता है, यहाँ से जो वैल्यू चलते हैं फिर से नेगेटिव में चलते हैं और यहाँ पे होता है पाई हमारा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे π/2। ठीक है, तो जो यहाँ पे इसका जो इन्फिमम होगा वैसे तो माइनस में भी होता है लेकिन यहाँ पे 0 पे मिलेगा इन्फिमम, लेकिन यहाँ पे 0 है ही नहीं, 0 तो इसमें है ही नहीं। तो फिर जो हमारा इन्फिमम होगा वो तो सारा 0 से कोई बड़ा ही वैल्यू होगी क्योंकि 0 तो देखो इसमें बाउंड हमें कर रखा है कि एक्स हमारा ये साइन एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो नेगेटिव नहीं होगी और 0 खुद नहीं होगी, तो 0 से बड़ी ही कोई इन्फिमम आएगी। तो ये वाली बात तो हमारी गलत हो गई कि 0 से छोटी आएगी इन्फिमम, सॉरी ये रहा, इन्फिमम 0 से छोटा नहीं हो सकता। ए भी गलत हो गया, बी भी, डी भी। तो आप इसे ही देख के वैसे सी ऑप्शन भी लगा सकते हैं, पर सी ऑप्शन कैसे होगा ये भी मैं आपको बता दूं। वैसे तो साइन पाई की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो 0, लेकिन इसमें तो हमसे कहा है 0 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन तो हम इससे जो हम वैल्यू लेंगे वो पाई से जस्ट छोटी वैल्यू लेंगे, तो वो तो हमें पता नहीं भाई इसमें। तो अगर आप कोई सी भी ले लो, अगर यहाँ पे भी हम ले लेते हैं तो इसके बीच हमारे इनफाइनाइट नंबर्स आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे पाई को ही लेंगे, इसका सुप्रीमम हमारा पाई ही होगा। अब देखो क्योंकि अब आप बोलोगे कि ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, हम कि हमें नहीं लेना है यहाँ पे, हमने तो ये बोला था, लेकिन मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको बताया था इन्फिमम और सुप्रीमम ज़रूरी नहीं है कि वो उस सेट में आए ही, तो इसका यहाँ पे जो सुप्रीमम हो जाएगा हमारा पाई हो जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा छोटी हमें पता नहीं, तो यहाँ पे हम सुप्रीमम पाई ही लेंगे, तो इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और, जो हमारे प्रीवियस ईयर की यानी कि 2020 और 2021 की जो वीडियोज़ हैं वो आप, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ जाके उन्हें देख सकते हैं। और अगर उसमें भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तो बाय गाइस।